नमस्कार, मैं राजकुमार श्री अरविंद सोसाइटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 23 संक्रामक रोग और रोग प्रतिबंधन को एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीकी गतिविधि थीम आधारित उपस्थिति के माध्यम से क्रियान्वयन करना बताऊंगा। वैसे तो इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचारों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, परंतु इस वीडियो में हम इसे थीम आधारित उपस्थिति के माध्यम से क्रियान्वयन करना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस नवाचार की नवीनता एवं उपयोगिता बता देता हूँ। विद्यार्थी प्रातःकाल उपस्थिति दर्ज करवाते समय अपना नाम या अपना रोल नंबर सुनने के पश्चात पाठ से जुड़े हुए शब्द या किसी कंसेप्ट को बोलकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। इस प्रकार वे पढ़ाए गए उस कंसेप्ट का पुनः अध्ययन करते हैं और उस कंसेप्ट को लंबे समय तक याद रखने में उन्हें सहायता मिलती है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि 20 मिनट है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को विभिन्न संक्रामक रोगों के नाम का पुनः अध्ययन करवाया जा सकता है। जब हम पूर्व प्रबंधन की बात करें तो इस नवाचार के क्रियान्वयन में नवाचारी शिक्षक को किसी प्रकार की कोई भी पूर्व प्रबंधन की आवश्यकता नहीं होती है। पुनः अध्ययन की प्रक्रिया में नवाचारी शिक्षक छात्रों को संक्रामक रोगों के नाम का पुनः अध्ययन आसानी से करवा सकते हैं। विद्यार्थियों को कुछ निर्देश दिए जाते हैं, जैसे नवाचारी शिक्षक छात्रों को पहले ही कह देते हैं कि प्रातःकाल जब हम उपस्थिति दर्ज करेंगे उस समय कोई भी छात्र यस सर या नो सर बोल करके अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवाएगा। वह पढ़ाए गए पाठ के अंदर प्रयुक्त हुए या फिर दूसरे किसी भी संक्रामक रोग का नाम बोलेगा। इस प्रकार यह गतिविधि आखिरी स्टूडेंट तक चलेगी, तो आप इस पूरी गतिविधि के दौरान अनुशासन को बनाए रखेंगे। इस प्रकार से नियम बताते हुए जब अगले दिन नवाचारी शिक्षक छात्रों की अटेंडेंस लेते हैं और बोलते हैं रोल नंबर 1, तो पहला छात्र खड़ा होता है और बोलता है हैजा। इसी प्रकार जब बोला जाता है रोल नंबर 2, तो दूसरा छात्र खड़ा होता है और बोलता है सर्दी जुकाम। इस प्रकार यह गतिविधि आखिरी स्टूडेंट तक चलती है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि यह गतिविधि आखिरी स्टूडेंट तक कंटिन्यू रहे। कक्षा के सभी छात्र इसमें सक्रियता के साथ भाग ले, सभी छात्रों को समान अवसर मिले। इस गतिविधि के क्रियान्वयन से सीखने के कई प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे सुनी हुई या पढ़ी हुई रचनाओं की विषय वस्तु, घटनाओं, चित्रों, पात्रों, शीर्षक आदि के बारे में छात्र एक दूसरे से बात करते हैं, अपनी अभिव्यक्ति देते हैं। अपने आसपास घटने वाली विभिन्न घटनाओं की बारीकियों से वे अवलोकन करते हैं, उस पर ध्यान देते हुए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, उसे अपनी भाषा में सुनाने का प्रयास करते हैं। भाषा की बारीकियों पर ध्यान देते हुए वे अपनी भाषा गढ़ते हैं। वस्तुओं, सामग्री और गतिविधियों का उनके लक्षणों और गुणों आदि विशेषताओं के आधार पर वे उनके समूह बनाते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन के दौरान कई बातों को ध्यान रखा गया है, जैसे प्रस्तुत पाठ को साल के एक निर्धारित माह में पढ़ाया जाना चाहिए। इस नवाचार के क्रियान्वयन में NCF 2005 के उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया है। PTR अनुपात को ध्यान में रखते हुए इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि निर्धारित की गई है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी इस नवाचार के क्रियान्वयन से लाभ प्राप्त होता है। छात्रों में जीवन कौशल जैसे कि गहन सोच का विकास होता है, साथ ही निहित मूल्य जैसे उत्तरदायित्व, विनम्रता, सामाजिक स्वीकृति के अनुसार का व्यवहार करना इत्यादि का विकास होता है। हम आशा करते हैं आपको यह नवाचार अच्छा लगा होगा। आप भी इस चैप्टर को अपने विद्यालय में इस नवाचार के माध्यम से क्रियान्वित करेंगे। हम इस प्रकार के दिलचस्प नवाचार आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारे YouTube चैनल ZIIEI को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।